गर्दन को मोटा कैसे किया जाता है। अगर आपकी गर्दन भी पतली है और आप उसे मोटा करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। मेरे पास ऐसी बहुत सी कमेंट्स आ रही थी और ऐसे मैंने बहुत से लोग भी देखे हैं जिनकी गर्दन बहुत ही पतली रह रहती है, तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, यानी वो कोई नुकसान तो नहीं है, बट इससे आपका इंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। लोग आप पर तरह तरह के कमेंट्स भी मारते हैं और आप बहुत छोटा फील करते हैं। खास करके ये प्रॉब्लम गर्ल्स के साथ बहुत ज़्यादा देखने को आती है। गर्ल्स की गर्दन बहुत ही ज़्यादा पतली रहती है और उन एकदम बेकार सी लगती है, और बॉयज़ की तो फिर बहुत, मतलब 50% बॉयज़ 50% गर्ल्स अगर हम लेके चलें तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आधे लोगों की होती। तो ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी हम हमारी गर्दन को मोटा कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको दो ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। पहला है एक्सरसाइज, दूसरा है विटामिन जो आप खाते हो, प्रोटीन्स कैसे बनाए जाते हैं, होम ट्रीटमेंट मैं आज आपको ये वीडियो बताने वाला हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज, आप अच्छे पुशअप लगाएं। पुशअप कैसे लगा सकते हो आप, इसमें आपको दिख रहा है, आपको सामने हाथ लेके जाना है, सामने आपको ऐसे पुशअप लगाना है जैसे कि आपके जो पूरे मसल्स है ना वो आगे आ जाती है और जो गर्दन की मोटाई है ना, जो नस यहाँ की, जो पूरी मसल्स ऊपर चढ़ जाती है और गर्दन नीचे जाती है, यानी कहीं ना कहीं आपकी गर्दन मोटी होने लग जाती है। तो ये तो बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप एक्सरसाइज करके भी ये काम कर सकते हो तो आपको 2 या 3 महीने के अंदर अंदर आपका ये गर्दन बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी और इससे आप हेल्दी एंड बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हो। तो ये तो आप समझते ही हो, अगर आपकी गर्दन पतली है तो आप ऐसा बनना तो चाहोगे। सेकंड होता है प्रोटीन्स, हम क्या क्या बनाएं होम ट्रीटमेंट से, यानी जिसके खाने से हमारा वेट एकदम गेन होता है और आपकी गर्दन पर फैट आता है, यानी आपकी गर्दन कहीं ना कहीं मसल्स गेन करती। तो प्रोटीन्स कैसे बनाएं, आपको 1 किलो आपको सोयाबीन लेना है, सोयाबीन आप जानते हो, फिर आपको 1 किलो पीनट बटर लेना है, यानी आप 1 किलो मूंगफली के दाने ले सकते हो, और आपको कम से कम 400 या 500 रुपए की आपको बादाम लेना है। ये 3 चीज़ को आपको सेकना है, सेकने के बाद जो ऊपर की स्किन रहती है आपको उसको निकाल के फेंक देना है। फिर इसके बाद आप इसको मिक्सी में पीस सकते हो या आप इसको हाथ से कूट सकते हो, यानी कहीं ना कहीं इसका आप अच्छे से पेस्ट बन जाता है। इस पेस्ट को आप दूध के साथ पी सकते हो, जब भी आप वर्कआउट करने जाओ तब पी सकते हो, नहीं तो अगर आप वर्कआउट भी नहीं करो तो आप इसको सुबह शाम कम से कम 3-4 चम्मच इसको एवरीडे पी सकते हो। इसके पीने से क्या होता है, इस ये पीने से आपके बॉडी में एकदम गेन, मसल्स गेन होती है और आपका वेट गेन होता है। वेट गेन होने से जो आपकी गर्दन रहती है ना वो कहीं ना कहीं मोटी हो जाती है, और साथ में अगर आप ये पुशअप जो मैंने आपको बताया, अगर आप ये पुशअप भी करो तो आपको 2 टाइम ज़्यादा अच्छा, यानी ज़्यादा वर्क करेगी आपकी बॉडी और आपका ये गर्दन का जो पतली गर्दन है, अगर आपको इससे छुटकारा पाना है तो आप इस ये दोनों ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। 100% मैं रिकमेंड करता हूँ। मोटी गर्दन में एक आप एकदम अट्रैक्टिव दिखते हो और पतली गर्दन में आपका कहीं ना कहीं इंप्रेशन डाउन हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट फॉलो करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मुझसे चैटिंग करना चाहते हो या आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे एफ बी आई डी पर मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।